हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आई होप आज का दिन भी आप सभी लोगों के लिए अच्छा गया रहेगा, जैसे कि आज का दिन मेरे लिए भी अच्छा गया, क्योंकि आज हमने जो प्रॉफिट किया आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्रॉफिट देखना प्रॉपर, हमने आज 45K का प्रॉफिट किया है, 45,000 का प्रॉफिट आज अच्छा खासा डन किया मार्केट में। तो ये प्रॉफिट के लेके चल रहे हैं हम आज मार्केट में, क्योंकि आज अच्छा खासा मूवमेंट मिला। तो हम आ चुके फिर से कल के एनालिसिस के लिए। जैसे कि मैंने कल आप सभी को जो वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो में मैंने आप सभी को साफ साफ क्लियर बताया हुआ था कि अगर मार्केट गैप अप, मैंने ये तो बताया था कि गैप अप खुलेगा, गैप अप खुल के एक डाउन कैंडल दे रहा है तो आपको उसके हाई एंड लो बना के एंट्री ले लेनी है। तो एक पुट में भी अच्छा खासा टारगेट देखने मिल जाता था आपको कल, अगर आपने आज के टाइम में जैसे कल फॉलो किया हो रहता मेरे वीडियो को प्रॉपर। एंड मैंने ये कहा था कि मेजर सपोर्ट ये वाला है, एंड यहाँ पे देखो मेजर सपोर्ट था, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट मैंने आपको कल वीडियो में साफ साफ क्लियर बताया हुआ है कि अगर फेक ब्रेकआउट मिल रहा है तो यहाँ पे आप प्रॉपर एंट्री ले सकते हो कॉल के लिए। तो यहाँ से देखो कितना अच्छा खासा स्विंग देते हुए मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है आपके साइड। तो ये पूरा मूवमेंट कैप्चर करने के लिए बहुत सारे लोग छूट गए एंड बहुत सारे लोग पुट में फंसे हुए थे, क्योंकि मार्केट ने मॉर्निंग में एक पुट का मूवमेंट दे दिया था, इसके लिए मार्केट में मॉर्निंग में पुट में बहुत लोग फंसे थे। तो जो आज का हमारा प्रॉफिट हुआ वो आपको दिखा देता हूँ। ये 45K का प्रॉफिट है, अप्रॉक्स 45K का प्रॉफिट किया हमने, देख सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगा तो वो प्रॉफिट देख लेना आप लोग। तो ये कुछ रीज़न था हमारे ट्रेड का। तो मैं आपको पहला रीज़न बता देता हूँ कि मैंने जो ट्रेड किया वो डिप में ट्रेड किया ज़्यादातर, देख सकते हो आप लोग। मेरे को यहाँ पर रिजेक्शन देखने मिला बट यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं बनाई जब तक हमारा EMA क्रॉस नहीं हुआ। जैसे ही EMA क्रॉस होता है तो मैंने यहाँ पे देखा एक आपका ट्रेंड बना, फिर मैंने एक यहाँ पे देखा कि मार्केट डिप कर रहा है, तो डिप में मैंने एक एंट्री बनाई एंड हमको एक अच्छा खासा टारगेट देखते हुए मिला। तो ये पहला हमारा पहला टारगेट डन हो गया। एंड सेकेंड थिंग कि मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी एक डिप मिला, यहाँ पे एक एंट्री बनाई एंड अच्छा खासा आपका टारगेट लिया। फिर मैंने यहाँ पे देखा ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंज होने के बाद मैंने यहाँ पे देखा ये रेड कैंडल ने EMA को क्रॉस कर दिया कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली थी एक मिनट के टाइम फ्रेम में जब मैं ट्रेड कर रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री बना गया, अच्छा खासा डाउनफॉल देखने मिला। तो फ्रेंड्स ये कुछ ट्रेड हमने कैप्चर किया एंड 45K का प्रॉफिट किया जस्ट ओनली एंड 2 लाख के कैपिटल पर ट्रेड किया था। तो ये कुछ हमने आज का ट्रेड किया एंड प्रॉफिट किया। तो मैं आपको कल के लेवल्स बता देता हूँ, चलो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखो अभी मेरा पॉसिबिलिटीज जैसे कि है, मार्केट में ना कल गैप डाउन खुलने का बहुत चांसेस है, तो मार्केट कल गैप डाउन ओपन होने के फुल चांसेस है। तो मार्केट में आप सभी को मैं एक पहला लेवल बता देता हूँ, पहला लेवल बता, देखो आपको ना 3 लेवल मार्क करके रखना है अभी फिलहाल के लिए। मार्केट में जो क्लोजिंग मिली है उसकी एंड आज का हाई, देखो पहले आपको क्या क्लोज करना है ये चेक करना है। पहले आपको आज का हाई मार्क कर लेना है, जैसे कि मैंने आज का हाई मार्क कर लिया, वो है 45,666 का आज का हाई है। तो ये मार्क कर लो सभी लोग, ये मार्क करने के बाद एक लाइन बना लो एंड मैं स्क्रीनशॉट बताऊंगा एंड में क्या स्क्रीनशॉट लेना है आपको। पहले ये मार्क कर लो, ये मैंने आज के हाई का मार्क कर लिया। सेकेंड आपको क्या करना है कि मार्केट का जो मेन मतलब इसके बाद का जो रेजिस्टेंस है वो मार्क कर लेना आप सभी को। मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे मार्केट बहुत बार सस्टेन किया है ये लेवल पे, यहाँ से बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन लेते हुए दिखा, यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे देखो कितना अच्छा खासा सपोर्ट फॉर्म किया है, रेजिस्टेंस ने मैटर किया यहाँ पे। तो आपको ये एक देख लेना चाहिए। तो ये एक लेवल मार्क कर लो, ये लेवल है 45,343 का, 45,343 ये लेवल मार्क कर लो गाइस। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट में। एंड सेकेंड थिंग आप लोगों को क्या करना है, लास्ट का एक सपोर्ट बना लेना जो मेजर सपोर्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे एक बार सस्टेन करके एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया, यहाँ पे जब भी आया मार्केट फिर से एक अप ट्रेंड दिया एंड यहाँ पे भी देखो एक बार आया हुआ था, क्लोज था उसके तो फिर से एक अप ट्रेंड दिया। तो ये मेजर रीज़न होता है गाइस कि ये एक मेन सपोर्ट कहला रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार देख सकते हो आप, यहाँ पे एक मतलब आया और यहाँ से एक आपका मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पे आया फिर एक आपका मूवमेंट दिया। तो तीसरी बार आपको कन्फर्म रहना था कि जब भी मार्केट ये साइड आएगा तो एक आपका मूवमेंट देगा। तो ये एक पॉसिबिलिटीज हो जाती है गाइस। तो ये एक लेवल मार्क कर लो जो है 4500 का लेवल है, 4500 का लेवल मार्क कर लो फ्रेंड्स। तो ये 3 लेवल आपको मैंने बता दिए, ये 3 लेवल मार्क करके रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल्स मार्क करने के बाद आपको मैं बता देता हूँ आज मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है, वो लेवल मार्क करना है। आज देखो मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है, मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो मार्केट का क्लोजिंग है वो है 45,283 पे। देखो अभी मैं उसका लेवल मार्क कर लेता हूँ यहाँ से, 45,283 पे आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो अभी आपको क्या देखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या क्लोजिंग तो दे दी है मार्केट ने,
तभी कल जो मार्केट गैप डाउन, कल अगर मार्केट गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होने के चांसेस है, देखो मार्केट गैप डाउन यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ओपन होगा या फिर गैप डाउन थोड़ा ओपन होगा, यहाँ इसके पॉसिबिलिटीज है फ्रेंड्स, यहाँ तक ओपन होने के चांसेस है कल मार्केट के। अगर यहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा है तो वेट करना, वेट करना, क्योंकि मार्केट फिर से ये लेवल के पास आएगा और यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा आपके साइड के लिए। तो ये मेरा व्यू है कुछ, अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक कर देगा तो एक बड़ा फॉल देखने मिल जाएगा। अगर मार्केट 4500 का लेवल ब्रेक कर देगा तो एक बड़ा मूव देखने मिलेगा, बड़ा फॉल देखने मिलेगा डाउन के साइड। तो ये बहुत मेजर लेवल है, अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो, मार्केट में एक बियरिश स्ट्रांग कैंडल बनती है तो आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है पुट साइड के लिए, वो भी हैवी क्वांटिटीज़ में फ्रेंड। एंड मान के चलो कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो आपको यहाँ पे कॉल का एक एंट्री बना सकते हो, पर कम क्वांटिटी के साथ एंड कम लॉट्स के साथ, क्योंकि अभी एक्सपायरी नज़दीक है। एक्सपायरी में देखो अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है, अगर आप पहले ही अपना पैसा लॉस कर लोगे तो बाद में ट्रेड करने नहीं मिलेगा। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ ये लेवल मेन है, ये लेवल पर ध्यान रखना। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो, मान के चलो फ्लैट ओपन हो रहा है तो मार्केट फिर ये लेवल तक आएगा एंड यहाँ से रिजेक्शन लेगा, मेरा ये बात ध्यान में रखो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो यहाँ पर आके फिर से एक रिजेक्शन लेने के चांसेस दिखेंगे फ्रेंड्स। तो बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा पॉसिबिलिटीज है, अगर मार्केट आपको ये दो जोन में घूमते हुए दिख गए, अगर मार्केट में अभी ये जोन चल रहा है, देखो ये जोन मार्केट में ये दो जोन चल रहे हैं, अगर ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ये जोन चल रहे हैं, अगर मार्केट में ये जोन में मार्केट फंसा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ पर आ रहा है तो इसके रिजेक्शन का वेट करना, या फिर अगर इसका ब्रेकआउट दे के थोड़ा सस्टेन कर जाए, ब्रेकआउट दे के सस्टेन कर जाए तो यहाँ से कॉल ले सकते हो। अगर सिंपली सीधा ब्रेकआउट देगा तो ये फेक ब्रेकआउट माना जाएगा, मार्केट सस्टेन करना चाहिए ब्रेकआउट के बाद। एंड अगर मार्केट यहाँ पर आकर रिजेक्शन ले रहा है, देखो मार्केट यहाँ पर आकर अगर रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एसएल के साथ एंट्री बनाओ यहाँ तक के टारगेट के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये टारगेट अचीव होते हुए दिखेगा। अभी ये दो जोन है, मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, तो मेजर तो रीज़न ये है। एंड अगर हम डेली टाइम फ्रेम भी चेक करें, अगर हम डेली टाइम फ्रेम भी चेक करें तो मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बारी। देखो मार्केट अभी, मार्केट ने अच्छा अपना हाई दिया, मार्केट में एक ये जो कैंडल बनी है बहुत, मतलब सेलिंग तो बहुत ज़्यादा वीकनेस दिख रही है सेलिंग में। देखो ये सेलिंग में बहुत ज़्यादा वीकनेस दिख रही है, अगर सेलिंग आता तो प्रॉपर सेलिंग आता, बहुत ज़्यादा एक रेड कैंडल है तो ये बहुत ज़्यादा डोजी कैंडल टाइप ये लग रही है, तो ये देखो एक वीकनेस मालूम पड़ रहा है हमको, सेलिंग में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो वेट करना रिवर्सल का, वेट करना रिवर्सल का फ्रेंड्स, अच्छा खासा रिवर्सल मिलने के चांसेस है। तो बैंक निफ्टी में हमारा ये व्यू हो चुका है, अभी निफ्टी का व्यू देख लेते हैं, निफ्टी में क्या व्यू है हमारा। चलो निफ्टी के पहले हम 5 मिनट के या फिर 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। निफ्टी में बहुत सारे लेवल्स क्रिएट किए थे मैंने, देखो निफ्टी में आपको पहला मैंने जो क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे पहला जो मैंने क्रिएट कर रखा है आपको मेजर लेवल्स बता देता हूँ। आज का जो हाई है, आज का हाई है 19434 निफ्टी का बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, निफ्टी का बात कर रहा हूँ 434, ये आज का हाई है। एंड जो लो था आज का जो लो था मार्केट में वो है ऑलमोस्ट 19300 का लो था फ्रेंड्स, तो वो मार्क कर लेते, चलो 19300 का एक लो मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स, ये 19300 का लो। चलो अभी मान के चलो हमने यहाँ पे देखो हमारा प्रॉपर ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी मार्केट चल रहा था, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया, एक अच्छा आपका मूव दिया। अभी देखो मार्केट में मेन रीज़न क्या है, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, वो एक्सपेक्टेशन मैं आपको बताता हूँ कि देखो मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन हो रहा है, मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन हो रहा है तो लगभग इसके पास ओपन होगा, लगभग नियर द सपोर्ट ओपन होगा, मार्केट लगभग नियर सपोर्ट ओपन होगा। अगर मार्केट सपोर्ट ओपन होगा, मार्केट यहाँ कहाँ ओपन होगा, तो मार्केट में मेरा प्रॉपर कन्फर्मेशन है फ्रेंड्स, यहाँ से रिजेक्शन लेगा मार्केट, ये लेवल से 19370 से रिजेक्शन मिलेगा आप सभी को, 19370 से रिजेक्शन मिलेगा। क्योंकि देखो मार्केट में यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट साइडवेज था, एक दोनों में से एक भी साइड मूवमेंट नहीं मिला, जबकि यहाँ पे एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल देखने मिली थी फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन से स्ट्रांग बुलिश कैंडल देखने मिली थी। अगर मार्केट को यहाँ पे क्लोजिंग हुई है तो मार्केट को अप के डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बट एक मैं आपको बता देता हूँ, ये एक मेजर लेवल है,
कल मार्केट गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा तो ये ट्रेंड लाइन के मुताबिक चलो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दोगा तो आप कॉल के लिए साइड जा सकते हो। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है तो पुट के साइड बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उसके नीचे ही जस्ट नीचे ही सपोर्ट बना हुआ है। तो सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिखाते हुए यहाँ पे वेट करो, जब जब इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने मिलेगा, जब इसका ब्रेकडाउन देखने मिलेगा तभी आप पुट के साइड जाओ, या फिर यहाँ से रिजेक्शन देखने मिला, जैसे यहाँ से रिजेक्शन देखने मिला तो आप आपका एक मोमेंटम देख सकते हो। तो देखो ऐसा कुछ मूवमेंट है हमारा, ऐसा कुछ एनालिसिस है, तो निफ्टी में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूँ यहाँ पे। निफ्टी में स्क्रीनशॉट ले लो, लेवल मार्क कर लो, अपना हाई का लेवल मार्क करना है। ये अपना हाई हो गया 19434, ये अपना हाई हो गया। सेकेंड 19400, ये देखो 19400, एंड थर्ड है 19370 का लेवल, एंड फोर्थ लेवल है 19299, मतलब 19300 का। ये लेवल्स स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स, ये लेवल्स अपने इसमें भी लगा लो चार्ट में, एंड ये ट्रेंड लाइन ज़रूर क्रिएट करना, क्योंकि ट्रेंड लाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हुए जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन को प्रॉपर मेक करो एंड अपना चार्ट क्लियर रखो, प्रॉपर एनालिसिस है फ्रेंड्स। चलो हो गया हमारा पूरा एनालिसिस करके, अगर आप सभी लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट का आंसर जल्दी मिल जाएगा फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में कमेंट का आंसर देंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो जल्दी पूछ सकते हो, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। एंड कल भी लाइव आएंगे मार्केट में, कल भी एक ट्रेड देंगे, आज जैसे कि हमने ट्रेड दिया था लाइव मार्केट में तो अच्छा प्रॉफिट मिल गया था फ्रेंड्स। तो देखते अभी क्या मूवमेंट देखने मिलेगा कल के साइड। तो जैसे कि हमारा व्यू है वो हमने व्यू क्लियर कर दिया है। चलो फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय सभी को, एंड अभी तक 100K नहीं हुए तो 100K जल्दी से जल्दी करवा दो। थैंक यू फ्रेंड्स।